हाय व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, ये देखिए आज हम सीखेंगे बहुत ही सुंदर सा और यूनिक सा निटिंग पैटर्न। इसे आप किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं, लेडीज़ कार्डिगन में, लेडीज़ जैकेट में, जेंट्स हाफ स्वेटर, फुल स्वेटर में, बच्चों के स्वेटर में अप्लाई कर सकते हैं। तो आगे की साइड से ये इस तरह से दिखता है और पीछे की साइड से इस तरह से दिखता है। तो इस डिज़ाइन को बनाने के लिए आपको जो फंदे चाहिए होंगे वो चार के मल्टीपल से होंगे, यानी कि चार फंदे, चार फंदे, चार फंदे, ऐसे ही सारे चार चार फंदे रखते हुए जाएंगे, प्लस तीन फंदे एक्स्ट्रा रखेंगे। एक फंदा साइड में डिज़ाइन को इक्वल करने के लिए, दो फंदे स्टिच के लिए होंगे। और ये जो डिज़ाइन है ये 12 रो का डिज़ाइन है। तो चलिए फैन बनाते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर 15 फंदे लिए हैं, 12 फंदे चार के मल्टीपल से लिए हैं, यानी कि तीन बार चाचा फंदे लिए हैं तो 12 फंदे हो गए, प्लस एक फंदा साइड में डिज़ाइन को इक्वल करने के लिए 13 फंदे और दो फंदे स्टिच के लिए, तो 15 फंदे नीचे से बेस देने के लिए दो रो उल्टे फंदों के साथ बुनकर निकाल ली है। तो चलिए बनाते हैं। पहली रो सीधी साइड, सारे फंदे सीधे सीधे बुनेंगे। स्टिच भी सीधा ही बुन लेंगे। पहली रॉ कंप्लीट हो गई है। दूसरी रॉ रॉन्ग साइड सारे फंदे उल्टे उल्टे बुनेंगे। स्टिच भी उल्टा ही बुनेंगे। तीसरी रॉ है और सीधी साइड है, स्टिच स्लिप करेंगे। रिपीट, स्टार्टिंग में एक फंदा सीधा बुनेंगे, यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करेंगे। धागा आगे लाएंगे, तीन फंदे स्लिप करेंगे, एक दो तीन, धागा पीछे, एक फंदा सीधा। ये देखिए हमारा एक पैटर्न कंप्लीट हो गया है। इसमें हम धागा आगे लाए, तीन फंदे स्लिप किए, धागा पीछे लेकर गए और एक फंदा सीधा बुना। फिर से इस पैटर्न को ऐसे ही बार बार रिपीट करेंगे। चार फंदों का पैटर्न है, दो चार। फिर से देखिए धागा आगे लाएंगे, तीन फंदे स्लिप करेंगे, एक दो तीन, धागा पीछे, एक फंदा सीधा। फिर से धागा आगे, तीन फंदे स्लिप करेंगे, एक दो तीन, धागा पीछे, एक फंदा सीधा। आगे के दो फंदे छोड़कर यहाँ तक हमारे तीन पैटर्न कंप्लीट हो गए हैं और लास्ट में स्टिच बचेगा, सीधा बना लेंगे। तीसरी रॉ कंप्लीट हो गई है। चौथी रॉ रॉन्ग साइड फिर से सारे फंदे उल्टे उल्टे बुनेंगे। अब देखिए पांचवी रॉ है और सीधी साइड है, फिर से सेम तीसरी रॉ की तरह ही बुनेंगे। स्टिच स्लिप करेंगे, एक फंदा स्टार्टिंग में सीधा बुनेंगे, यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करेंगे। धागा आगे लाएंगे, तीन फंदे स्लिप करेंगे, एक दो तीन, धागा पीछे लेकर जाएंगे, एक फंदा सीधा। ये देखिए हमारा एक पैटर्न कंप्लीट हो गया है। इसमें हमने तीन फंदे स्लिप किए, एक फंदा सीधा बुना। फिर से इस पैटर्न को ऐसे ही बार बार रिपीट करेंगे। धागा आगे, तीन फंदे स्लिप करेंगे, एक दो तीन, धागा पीछे, एक फंदा सीधा बुनेंगे। फिर से धागा आगे, तीन फंदे स्लिप करेंगे, एक दो तीन, धागा पीछे, एक फंदा सीधा बना लेंगे। लास्ट में स्टिच है, सीधा बुन लेंगे। पांचवी रॉ कंप्लीट हो गई है। छठी रॉ रॉन्ग साइड फिर से सारे फंदे उल्टे उल्टे बुनेंगे।
सातवीं रो है और सीधी साइड है। एस्टिच स्लिप करेंगे, स्टार्टिंग में एक फंदा सीधा बुनेंगे। यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करेंगे, धागा आगे लाएंगे, तीन फंदे स्लिप करेंगे, एक दो तीन, धागा पीछे लेकर जाएंगे, एक फंदा सीधा। ये देखिए हमारा एक पैटर्न कंप्लीट हो गया है। इसमें हमने धागा आगे लाया, तीन फंदे स्लिप किए, एक फंदा सीधा बुना। फिर से इस पैटर्न को ऐसे ही बार बार रिपीट करेंगे। तो देखिए फिर से धागा आगे लाएंगे, तीन फंदे स्लिप करेंगे, एक दो तीन, धागा पीछे, एक फंदा सीधा। फिर से धागा आगे, तीन फंदे स्लिप करेंगे, एक दो तीन, धागा पीछे, एक फंदा सीधा। लास्ट में एस्टिच सीधा बुन लेंगे। तो सातवीं रॉ कंप्लीट हो गई है। आठवीं रॉ रॉन्ग साइड, फिर से सारे फंदे उल्टे उल्टे बुनेंगे। नौवीं रॉ है और सीधी साइड है। एस्टिच स्लिप करेंगे, रिपीट पैटर्न स्टार्ट करेंगे, दो फंदे सीधे बुनेंगे, एक दो, धागा पीछे ही रखेंगे। अब ये तीनों फंदे इस तरह से नीडल पर लेंगे, एक फंदे को सीधा बुनेंगे, अब इन फंदों को इस फंदे के ऊपर से पास ओवर करेंगे, एक फंदा सीधा। ये देखिए हमारा एक पैटर्न कंप्लीट हो गया है। इसमें हमने दो फंदे सीधे बुने, फिर हमने एक फंदा सीधा बुना और तीन लूप को ऊपर से पास किया और एक फंदा सीधा बुना। फिर से इस पैटर्न को ऐसे ही बार बार रिपीट करेंगे। तो देखिए फिर से दो फंदे सीधे, एक दो, तीन लूप उठाएंगे इस तरह से, एक फंदा सीधा बुनेंगे, अब तीनों लूप को ऊपर से पास करेंगे, एक फंदा सीधा। फिर से दो फंदे सीधे, एक दो, तीनों लूप उठाएंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे और इनको इसके ऊपर से पास करेंगे, फिर एक फंदा सीधा। ये देखिए हमारा एक पैटर्न कंप्लीट हो गया है। फिर से इसे रिपीट करते जाएंगे और लास्ट में दो फंदे हैं, एक फंदा सीधा, एस्टिच सीधा बुन लेंगे। तो देखिए हमारी नौवीं रॉ कंप्लीट हो गई है। दसवीं रॉ है रॉन्ग साइड, फिर से सारे फंदे उल्टे उल्टे बुनेंगे। ग्यारह रॉ है और सीधी साइड है, सारे फंदे सीधे सीधे बुन लेंगे। स्टिच भी सीधा ही बुनेंगे। ग्यारह रॉ कंप्लीट हो गई है। अब देखिए 12 रॉ है रॉन्ग साइड है। एस्टिच स्लिप करेंगे, धागा पीछे और सारे फंदे सीधे सीधे बुनेंगे। एस्टिच उल्टा बुनेंगे। तो देखिए 12 रॉ कंप्लीट हो गई है और हमारा पैटर्न भी कंप्लीट हो गया है। फिर से हम इसे फर्स्ट रॉ से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए फर्स्ट रॉ सारे फंदे सीधे सीधे बुनेंगे।
स्टिच भी सीधा ही बुनेंगे। तो देखिए फिर से हमारा पैटर्न फर्स्ट रॉ से स्टार्ट हो गया है। ऐसे ही बार बार हम इसकी 1 2 12 रॉ रिपीट करते जाएंगे और ये पैटर्न बनकर इस तरह से दिखने लगेगा। ये देखिए बहुत ही प्रिटी सा पैटर्न है, इसे आप किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं। तो फ्रेंड आप भी इसे बनाइए और अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कीजिए। अगर आपको हमारे पैटर्न्स अच्छे लगते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करना, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो फिर से मिलते हैं ऐसे ही और नए नए पैटर्न के साथ। टिल देन बाय बाय फ्रेंड।